हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं झारखंड राज्य के करंट अफेयर कवर करूंगा, दो महीने के, नवंबर और दिसंबर के। इससे पहले मेरे दो वीडियो आ चुके हैं, एक में मैंने जनवरी से जुलाई और दूसरे में जुलाई से अक्टूबर तक के करंट अफेयर कवर किए थे। आप इन्हें देख सकते हैं, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इन्हें देख चुके हैं। अब ये है तीसरा वीडियो, तो इसी के साथ मैं पूरे 2017 के स्पेशली झारखंड के करंट अफेयर कवर करूंगा। इसमें सिर्फ झारखंड राज्य के करंट अफेयर हैं। हमारी न्यू ईयर सेल चल रही है, हमारे बहुत सारे पेनड्राइव कोर्स आते हैं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट studyiq.com पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारी नए न्यू ईयर सेल चल रही है 5 जनवरी तक, इसका लाभ भी आप ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, टायरलेस सोल मेरी आईडी है, इस पर आपको जाना है इंस्टाग्राम पर, या ट्विटर पर gaurav.garg888 आपको सर्च करना है। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में एक नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बन रहा है, यानी एम्स बन रहा है। याद रखिए, जो केंद्र सरकार का बजट था 2017 का, खैर अब तो 2018 का बजट आने वाला है। अब बजट एक महीना पहले होता है, पहले बजट होता था लगभग 1 मार्च के आसपास, अब 1 फरवरी को ही हो जाता है। और पहले रेल बजट अलग होता था, अब रेल बजट आम बजट के साथ ही होता है। तो बजट में दो नए एम्स बनाने का प्रॉमिस किया था केंद्र सरकार ने, एक झारखंड में और दूसरा गुजरात में। और झारखंड में जो एम्स बनेगा वो बनेगा देवगढ़ में। सो याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल बनेगा देवगढ़ के अंदर। इससे पहले आपको याद होगा कि 4 नए एम्स अनाउंस किए थे सरकार ने, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र के विदर्भ में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अंदर। झारखंड के जो स्कूल हैं उनमें बच्चों को जो माता पिता है उनकी इज्जत करना सिखाया जाएगा। याद रखिए, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनका ये आइडिया था कि उन्होंने एक वहाँ आंध्र प्रदेश में योजना शुरू करी है जिसका नाम है अम्माकू वंदनम। ये तेलुगु भाषा है, इसका मतलब मेरी जो माँ है मैं उसकी पूजा करता हूँ। तो जो बच्चे हैं उन्हें हर साल एक दिन अपने माँ बाप की पूजा करनी होगी, उन्हें सम्मान देने के लिए एक तरह से ये मातृ पितृ पूजन नाम का एक झारखंड की स्कीम ने नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। यहाँ पे झारखंड के जो 40,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर हर साल एक दिन कोई भी मातृ पितृ पूजन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के अंदर अगर मैं बताऊँ आपको, तो वहाँ पे जो वैलेंटाइन डे होता है 14 फरवरी को, उसको मातृ पितृ दिवस डॉक्टर रमन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। ये उन्होंने आसाराम बापू जी के कहने पर किया है, इससे माँ बाप के प्रति बच्चों में सम्मान की भावना बढ़ेगी। तो छत्तीसगढ़ की सरकार को देख के ही शायद झारखंड की सरकार ने भी ये निश्चय लिया है। और झारखंड राज्य की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री जो हैं नीरा यादव, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। झारखंड की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हैं उनको मदद मिलेगी। ये एक सर्कुलर आया है हाई कोर्ट का कि जो कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, झारखंड हाई कोर्ट ने पहले ऑर्डर किया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाए और इनमें डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, पुलिस सुपरिटेंडेंट होंगे, और वो महिलाएं जो किसी भी तरह के हैरेसमेंट का, वायलेंस का शिकार हैं, चाहे वो यौन उत्पीड़न हो चाहे वो शारीरिक उत्पीड़न हो, तो उनको इसमें मदद मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज से। और अब हाई कोर्ट का सर्कुलर आया है 18 दिसंबर का, जिसने कहा है कि कमेटी शैल वर्क सीमलेसली इन इस डिस्ट्रिक्ट, मतलब कमेटी को ये एक्श्योर करना है कि कोई भी वुमेन हैरेसमेंट में ना हो, उत्पीड़न में ना फंसे। उसके अलावा जो कोर्ट अपना जो फैसला देता है इस बारे में वो भी स्पीडी होना चाहिए, और वारंट तुरंत इशू होने चाहिए इसके अंदर, और टाइमली एग्जीक्यूशन होना चाहिए प्रोसीडिंग्स का, जिससे कोई उन्हें देरी ना करनी पड़े। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो प्रोसीडिंग करेंगी इसकी, और जो महिलाओं के खिलाफ जिसने कोई एक्शन लिया है उनको फिर उनकी मेंटेनेंस वगैरह पे भी वो उनको करने को बोलेंगी। तो ये सब अभी अनाउंस हुआ है। झारखंड में एक कौशल विकास के लिए एक नीति बनाई जाएगी, ये कहा है रघुबर दास जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने। और उन्होंने एक एम्प्लॉयर्स कंक्लेव का उद्घाटन करा है अभी अभी रांची के अंदर। इसके अलावा जो नई स्किल पॉलिसी बनाएगी झारखंड की सरकार, उसमें जो इन्वेस्टर हैं उन्हें जो झारखंड के कॉलेज हैं उनका कैंपस है वो किराए पे मिला करेगा बहुत ही कम दामों में 10 साल के लिए, और इससे वो वहाँ पे उद्योग लगा पाएंगे और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिससे झारखंड के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगे। इसके अलावा झारखंड में एक बहुत ही बड़े लेवल का
वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बनेगा, कौशल विकास केंद्र बनेगा। ये बनेगा रांची के हेहल एरिया में और इसमें मदद करेगा सिंगापुर। इसमें 60 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, याद रखिए। सिंगापुर की कंपनी है, अगर उसका भी नाम पूछ लें आपसे तो याद रखिए ITE नाम की कंपनी है वहां पर। इसके अलावा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE भी बनाया जाएगा झारखंड में। इसको बनाएगी सीमंस नाम की कंपनी। इससे जो हमारे मध्य पूर्व के जो देश हैं जैसे दुबई है, सऊदी अरब है, वहां से जो स्किल्ड यूथ है वो यहां पे आएगा और झारखंड के जो यूथ हैं उन्हें वो ट्रेन करेगा। इसके अलावा 5 लाख स्किल्ड यूथ हैं झारखंड के जिन्हें जापान भेजा जाएगा अगले 3 साल के अंदर। रिपीट करता हूं, झारखंड से 5 लाख कुशल जो कर्मी हैं, जो स्किल्ड यूथ है वहां के, उन्हें जापान भेजा जाएगा अगले 3 साल के लिए। और इन कौशल विकास केंद्रों में अंग्रेजी भाषा भी सिखाई जाएगी, तो 150 घंटे का प्रशिक्षण होगा अंग्रेजी भाषा का। अर्जुन रामपाल जो मशहूर एक्टर हैं, ये झारखंड में अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे थे। इनकी फिल्म का नाम है नास्तिक और वहां पे ये फिर स्मोकिंग कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, तो इनके खिलाफ अब मुकदमा दायर हो गया है। ये बात है झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट की। और सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के तहत स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस जो है वो बैंड है और इसके पे फाइन हो सकता है। झारखंड जो है वो कमर्शियल पायलट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा अगले 6 महीने के अंदर, ये कहा है वहां के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। सो नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं कैप्टन सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, उन्होंने कहा कि जो ग्लाइडर पायलट लाइसेंस होता है, इसका जो कोर्स होता है उसको अपग्रेड करके अब कमर्शियल पायलट लाइसेंस में तब्दील कर दिया जाएगा। इसका फायदा ये है कि जो पायलट हैं वो अब जो व्यावसायिक विमान हैं उनको भी उड़ा पाएंगे, ये आपको याद रखना है। और वो ग्लाइडर पायलट लाइसेंस का जो लाइसेंस वाला कोर्स था वो उसको कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगले 3 महीने के अंदर। और फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस का जो कोर्स है वो अगले 6 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। सो जो ये अपग्रेडेड सेंटर हैं जहाँ पे कमर्शियल पायलटरी की ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत झारखंड में चलाए जाएंगे। अब इसमें एक दो चीज़ याद रखनी है, ग्लाइडर पायलट लाइसेंस कोर्स जो है ये 1997 से चल रहा है झारखंड में रांची के अंदर। उसके बाद ये देवगढ़ में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2013 में। उसके बाद इसे दुमका में शिफ्ट कर दिया गया था। दुमका में इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि एक एयरपोर्ट बन रहा है झारखंड में देवगढ़ के अंदर, इसलिए फिर इसे दुमका में शिफ्ट कर दिया गया था। जो झारखंड में ग्लाइडर पायलट लाइसेंस का कोर्स होता है उसकी जो फी है वो है सिर्फ 50,000 रुपये। 25 घंटे का इसमें विमान उड़ाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और एक साल के अंदर अंदर। तो ये सब कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। जनरली जो ये कोर्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं, 5 लाख से कम कहीं नहीं होता, लेकिन झारखंड में सिर्फ 50,000 में ये हो जाता है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो है यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस SC ST के लिए जो फीस है वो और भी कम है, वो है सिर्फ 25,000। इतना ही नहीं, अगर कोई प्रिमिटिव ट्राइबल किड्स हैं, जैसे प्रिमिटिव ट्राइबल्स जैसे पहाड़िया या बिरहोड़ जो अनुसूचित पुरानी जो जनजातियां हैं उनके अगर बच्चे हैं तो उनके लिए कम्प्लीटली फ्री है ये कोर्स। इसके अलावा लगभग 20 से ज़्यादा दूसरे फ्लाइंग क्लब हैं जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए 20 से 50 लाख रुपए लेते हैं। और लेकिन झारखंड में अभी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 10 लाख से कम प्राइस रखेंगे कमर्शियल पायलट लाइसेंस का। तो जब कोर्स स्टार्ट होगा तब देखेंगे कितना रखते हैं। अब झारखंड में एक गोद्दा डिस्ट्रिक्ट में, मैं रिपीट करता हूँ, 174 एकड़ जमीन है गोद्दा डिस्ट्रिक्ट में जो अदानी को दे दी है झारखंड की सरकार ने, अदानी पावर लिमिटेड। वहाँ पे ये अब एक बहुत ही बड़े लेवल का 1600 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनाएंगे। तो अब जमीन पूरी तरह से एक्वायर हो चुकी है, अभी और भी एक्वायर होनी है क्योंकि टोटल जो जमीन एक्वायर करना चाहते हैं वो है 970 एकड़। अभी 174 एकड़ तो उन्हें दे दी है कि काम स्टार्ट करें वो। और 1600 मेगावाट में अभी ये एकदम से 1600 मेगावाट का नहीं बनाएंगे, अभी बनाएंगे 1/4 यानी 25%, 400 मेगावाट का ये अभी कंप्लीट करके फटाफट। और ये इलेक्ट्रिसिटी कम से कम 400 मेगावाट झारखंड को मिलेगी। सो जो प्रपोज्ड 1600 मेगावाट पावर प्लांट का 1/4 या 25% इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलेगी झारखंड को, और इससे गोद्दा डिस्ट्रिक्ट का भी विकास होगा, रोजगार जनरेट होगा। झारखंड की जो सरकार है वो उन्होंने 3 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है राज्य में विकास के लिए, और इन्होंने
जो पूर्व चेयरमैन है, एक स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाया है। स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है टी आनंद कुमार। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी हैं और अभी ये झारखंड स्टेट का डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन है। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी है कि हम झारखंड में कैसे एक टाइम बाउंड मैनर में, एक कम समय में, एक डेडलाइंस के साथ जल्दी से हम विकास कर सकते हैं, और हर 3 महीने में मॉनिटरिंग की जाएगी कि कितना विकास हो रहा है। 3 साल की रिपोर्ट है ये। इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की जो झारखंड शाखा है, उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड वाटर इसको प्रोसेस किया है। कहने का मतलब ये है कि IRCTC आप जानते हैं, ये पैकेज वाटर देती है। अभी इनका जो ब्रांड है उसको बोलते हैं रेल नीर। मैं रिपीट करता हूँ, रेल नीर। अभी एक साइट आइडेंटिफाई की है, रांची के पास एक जगह है अरगाड़ा। अरगाड़ा जो है ये कोल रिच एरिया है ये भी, और यहाँ पे एक IRCTC अपना बॉटलिंग प्लांट बना रही है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं औसतन देखूँ तो जो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड माइंस, वो प्रोड्यूस करती है लगभग 5700 लाख क्यूबिक सैक ऑफ वाटर एवरी ईयर, जिसमें से सिर्फ 2589 लाख क्यूसेक अपने यूज़ के लिए रखती है, और बाकी जो पानी है एग्रीकल्चर और सप्लाईज वगैरह के लिए रखती है लगभग 1091 लाख क्यूसेक, और उनके पास जो पानी बच जाता है वो बच जाता है लगभग 2036 क्यूसेक। ये उनके पास बच जाता है हर साल कोल इंडिया लिमिटेड के पास। ये पानी अब IRCTC यूज़ करेगी और इसको प्रोसेस करेगी और फिर उसको प्यूरिफाइड पैकेज वाटर को बेचेगी। रेलवेज जो है, उनकी जो डेली डिमांड है, जो यातायात करते हैं लोग रेलवे से, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। लगभग 16 लाख बोतल यात्री पी जाते हैं हर रोज़ IRCTC का जो पानी है, रेल नीर। और IRCTC जो है सिर्फ 37% रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है, तो कई सारे और बॉटलिंग प्लांट लगा रहा है अभी, जिससे जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके। इसके अलावा जो रांची में इनका बॉटलिंग प्लांट है, वो लगभग 1 लाख लीटर पीने का पानी हर दिन देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कहीं और 3 प्लांट और लगाए हैं इन्होंने अभी विशाखापट्टनम में, कोटा में और भुवनेश्वर के अंदर। तो टोटल कैपेसिटी इन तीनों प्लांट की मिला के है लगभग 2.7 लाख लीटर, रांची वाले की है 1 लाख लीटर, और कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है IRCTC की वो है 8.3 लाख लीटर, यानी 16 लाख डिमांड है, ठीक है, 16 लाख बॉटल्स की डिमांड है। तो उसमें अब कोई 1 लीटर की बॉटल है, कोई 2 लीटर, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट है ये प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ 8.3 लाख लीटर। तो टोटल ये सिर्फ 37% ही कमी को पूरा कर पाते हैं, तो अब ये नए नए प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये सारे प्लांट लग जाएंगे, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि IRCTC 85% डिमांड को पूरा कर पाएगा। इसके अलावा होलोग्राम भी जरूरी है, जिससे कोई नकली बोतल ना बेचे। तो 500 ml की बोतल कैप्स पे जो होलोग्राम लगते हैं, वो नागलोई बॉटलिंग प्लांट में ऑलरेडी IRCTC ने लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, और जनवरी तक 2018 के एंड तक ये सारी बोतल पे लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने झारखंड अमेंडमेंट बिल ऑन लैंड एक्विजिशन को रिटर्न कर दिया है। उन्होंने झारखंड की सरकार को कहा है, ये बिल उतना अच्छा नहीं, आप इसमें कुछ और संशोधन करिए। सो ये आपको बस याद रखना है। इसमें झारखंड की सरकार ये चाहती थी कि जमीन एक्वायर करने के लिए वो जो मल्टी क्रॉप प्लांट हैं, उन वो जिस जमीन पे मल्टी क्रॉप प्लांट उगाए जा रहे हैं उनको एक्वायर करें, उन जमीनों को, वो थोड़ा आसान हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट झारखंड अमेंडमेंट बिल 2017, ये केंद्र सरकार को सौंपा था, लेकिन केंद्र सरकार ने वापस कर दिया है। और केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जो किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति है उसके खिलाफ है, और यानी कि नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर 2007 और नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी ऑफ 2007 के ये खिलाफ है। झारखंड के अंदर जो पेड़ हैं, पेड़ तो बढ़ रहे हैं लेकिन जानवरों का नंबर कम हो रहा है। जो ब्लैक बक पाया जाता था झारखंड में एक वक्त, अब बहुत ही रेयर हो गया है। चिंकारा बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तो ये नंबर लगातार कम होता जा रहा है, जिसे बोलते हैं एम्प्टी फॉरेस्ट सिंड्रोम, उससे एक तरह से झारखंड पीड़ित हो रहा है। और इसके लिए जो वन विभाग के अधिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पे आदिवासी रहते हैं वो हंटिंग करते हैं जानवरों की, इससे इनका नंबर कम हो रहा है। इसके अलावा झारखंड में जो माइनिंग होती है कोयले की, उसकी वजह से भी, और फॉरेस्ट में सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, इस वजह से भी जानवरों का नंबर कम हो रहा है।
तो यहां पे कुछ आंकड़े आपके सामने। झारखंड में जो जो फॉरेस्ट एरिया है देखिए वो बढ़ रहा है। अगर हम देखें झारखंड में फॉरेस्ट एरिया तो 1995-96 में था 22,977 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 2011 में था 23,473 और उतना ही है, लगभग थोड़ा सा बढ़ा है 23,478। ये 2016-17 के लेटेस्ट फिगर हैं झारखंड में कितना कितना पेड़ है, कितना फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड के जो मुख्य जानवर हैं उनका नंबर। तो झारखंड में 1995 में 78 टाइगर होते थे, 2011 में रह गए 14 और अब हैं सिर्फ 6। ये एकदम लेटेस्ट है, ये झारखंड गवर्नमेंट का आर्काइव है ये फोटो, स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंसस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेपर्ड की बात करते हैं, लेपर्ड 135 थे, फिर 50 रह गए थे, अब 2016-17 में रह गए हैं सिर्फ 29। और याद रखिए झारखंड में एक पलामो टाइगर रिजर्व है, बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है ये भी याद रखिए। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ होते हैं पूछ लें अगर एग्जाम में, तो होते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद होते हैं उत्तराखंड में। कर्नाटक में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे डांडेली टाइगर रिजर्व है, बनरगट्टा, बांदीपुर, नागरहोले, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है और राजाजी टाइगर रिजर्व है, तो ये सब याद रखिए। फिर बीसॉन की बात करते हैं, बीसॉन सबसे पहली बार काउंट हुए थे 2011 के आसपास, तब 147 थे, अभी बच गए सिर्फ 60। और ये देखिए वाइल्ड डॉग, जो वाइल्ड डॉग हैं पहले 573 होते थे, आज से 22 साल पहले, अब एक भी नहीं दिखा है पिछले 2 साल में। वुल्फ की बात करते हैं, 273 से सिर्फ घटके 60 रह गए। और ब्लैक बक, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लैक बक ये 792 थे, अब एक भी नहीं है, नॉट फाउंड, बिल्कुल है ही नहीं कोई, खत्म। तो ये ऐसे तथ्य हैं जो विच स्टेयर एट आवर फेस और जो हमें बिल्कुल अनप्लेजेंट और इनकन्वीनियंट लगते हैं और इसके लिए हमें काम करना होगा। तो ये उसी को बस लिखा है जो ग्राफ में मैंने दिखाया है आपको, कि जो टाइगर का खासकर बहुत ज़्यादा नंबर वो हो रहा है। और झारखंड की सरकार जो है, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हैं फॉर 10 ऑफ द 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उन्हें ये डिक्लेयर नहीं कर पाई है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर नहीं कर पाई है। झारखंड में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनमें से 10 को ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स उनके अंदर डिक्लेयर नहीं कर पाई है। इस वजह से जो जो माइनिंग है, एनक्रोचमेंट है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वो सब भी चल रहा है, बफर एरिया में भी चल रहा है। तो वाइल्ड लाइफ जो एरिया होता है उसमें एक तो कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया वगैरह होते हैं, तो बफर एरिया में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, माइनिंग भी चल रही है, अतिक्रमण चल रहा है जमीन का, इस वजह से जानवरों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और जो पलामो है उस उन नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, जो अभी लतेहार और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोनों में, इनमें चिंकारा और ब्लैक बक ये दोनों जानवर अब यहां पे देखे ही नहीं जाते। झारखंड में आप जानते होंगे एक केस हुआ था जब एक लड़की स्टार्वेशन से मर गई थी, उसके बाद आधार कार्ड नहीं था तो उसे राशन नहीं दिया और वो फिर मर गई थी। तो अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि झारखंड में अगर कोई आधार के नाम पे राशन ठुकरा देता है कोई अधिकारी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहा है कि किसी को भी बेनिफिट से डिनाई नहीं किया जाएगा, नकारा नहीं जाएगा उसे, किसी भी तरह की सब्सिडी से नकारा नहीं जाएगा अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो, ये आपको याद रखना है। सो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सब्सिडी मिलेगी। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट ऑफ 2016। झारखंड की जो सरकार है उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया है, ये बेसिकली एक्चुअली झारखंड की सरकार ने नहीं बनाया लेकिन झारखंड की सरकार ने लागू कर दिया है। इसे बनाया तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने है। इस मोबाइल ऐप का नाम है एम स्ट्राइप्स, यानी कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। जो टाइगर हैं उनकी हम डिजिटल तरीके से उन पर नजर कैसे रख सकते हैं, इसके लिए ये एक डिजिटल ऐप बनाया है। अब ये झारखंड में यूज की जाएगी पलामो टाइगर रिजर्व के अंदर जानवरों को काउंट करने के लिए। सो दिसंबर 2018 तक ये टाइगर का जो काउंटिंग है ये स्टार्ट हो जाएगी और शुरुआत हो जाएगी मार्च 2018 से। तो मार्च 2018 से दिसंबर 2018 तक 9 महीने लगभग झारखंड में टाइगर की काउंटिंग चलेगी। उसके बाद जो फॉरेस्ट रिजर्व है, पलामो टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, उसमें सिर्फ 30-40% एरिया में ही काउंटिंग हो पाती है क्योंकि बाकी एरिया जो है वो माओवादियों के डर से वहाँ पे कोई जाता नहीं है। जैसे इसके अंदर एक बूढ़ा पहाड़ एरिया है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, वो एक
नक्सलवादी और माओवादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो इसके लिए इस बार लेकिन ये डिसाइड करा है झारखंड की सरकार ने, हम पूरा का पूरा पलामू टाइगर रिजर्व में काउंटिंग करेंगे। इसके लिए इन्होंने कैमरा लगाए हैं, 600 कैमरा लगाए हैं, 600 में से 300 ऑलरेडी लग चुके हैं और 300 भी लगेंगे। झारखंड की जो विधानसभा है उन्होंने अप्रूव कर दिया है ड्राफ्ट बिल, जिससे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मन मांगी फीस अभिभावकों से नहीं वसूल पाएंगे। सो इसके लिए झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण, इसमें पहला संशोधन हुआ है, ये बिल आया है, इसका नाम है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण बिल ऑफ 2017। ये बिल झारखंड में प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस ली जाती है उसमें उसको रेगुलेट करेगा। इसके अलावा झारखंड में अब कोई भी मैरिज है उसे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो झारखंड की सरकार ने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट को लागू कर दिया है। इसमें जो भी मैरिजेस हैं अब उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। झारखंड की सरकार ने एक प्लान बनाया है जिससे वो 2022 तक पूरे राज्य से गरीबी खत्म कर देंगे। और झारखंड में एक जगह है छतरा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है इटखोरी, ये यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्म रहते हैं, इसको एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी झारखंड की सरकार। इसमें खर्चा करेगी 500 करोड़, इसे विश्व दर्जे का एक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। किसे? इटखोरी को। इसके अलावा झारखंड में इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, नए उद्योग लगाने पे, कृषि पे, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और पर्यटन में। और 2022 तक झारखंड से गरीबी खत्म हो जाएगी, वास्तव में होती है नहीं वो देखना होगा, लेकिन ये टारगेट है। इसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा 30 मीटर का बुद्धिस्ट प्रेयर व्हील बनेगा, ये भी इटखोरी में बनेगा। अभी दुनिया में जो सबसे लंबा जो बुद्धिस्ट प्रेयर व्हील है वो चाइना के जिंग हाई में है 26 मीटर, अब झारखंड में बनेगा इटखोरी के अंदर। और ये एरिया, ये डिस्ट्रिक्ट है छतरा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा दो रिवर फ्रंट बनेंगे, आपने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट सुना होगा। रिवर फ्रंट होता है जैसे जैसे कोई नदी है, नदी के पास अच्छा बैठने का एरिया होता है सीमेंटेड, और वहाँ पे पार्क होता है एक छोटा सा, या रिवर फ्रंट होता है, बहुत सारे राज्यों में बन चुका है तो रिवर फ्रंट। तो झारखंड में दो रिवर फ्रंट बनेंगे, एक तो बनेगा भद्रकाली घाट और दूसरा बुद्धा घाट, ये बनेंगे दो रिवर फ्रंट। इसके अलावा झारखंड में एक बुद्धिस्ट सर्किट बनेगी, बोधगया, कालेश्वरी और इटखोरी को आपस में कनेक्ट करेगी। फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा इससे होगी, फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी आएगा, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज बहुत आएगा इससे, विदेशी टूरिस्ट आएंगे क्योंकि बुद्ध धर्म के अनुयायी पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सब में रहते हैं, आसियान कंट्रीज में रहते हैं। सो ये जो बुद्धिस्ट सर्किट बनेगा किस एरिया को जोड़ेगा? बिहार के बोधगया, कालेश्वरी और इटखोरी को आपस में जोड़ेगा। इसके अलावा कालेश्वरी का जो पहाड़ है उस पे एक उड़न खटोला बनेगा, रोपवे बनेगा 1.6 किलोमीटर का, इसमें झारखंड की सरकार खर्चा करेगी 24 करोड़ रुपए। वो लोग जिन्होंने अपनी जमीन डोनेट करी है टेंपल्स के लिए, उनका जो नाम है वो शिलापट उस पे लिखवाया जाएगा, जो भी यहाँ पे कालेश्वरी के पहाड़ों में जो बनेगा। यहाँ पे लोगों ने अपनी जमीन भी, अपना भूदान किया है, उनका जिन्होंने भी करा है उनका नाम यहाँ पे शिलापट पे लिखवाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड खिसक के 13वें नंबर पे पहुंच गया है। पूरे इंडिया में नंबर वन है हरियाणा, दूसरे नंबर पे है तेलंगाना, तीसरे नंबर पे है गुजरात। हरियाणा का स्कोर है 69%, तेलंगाना का है 68.46 और गुजरात का 67.74। ये लेटेस्ट दिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारे वैसे नए कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, जो एक वक्त रेल मंत्री होते थे। झारखंड 2015 में कौन से नंबर पे था? तीसरे नंबर पे था, अब 13वें नंबर पे खिसक गया, यानी 10 पायदान पीछे खिसक गया है, और झारखंड का स्कोर है 57.68% सिर्फ। झारखंड में विच हंट मर्डर सबसे ज्यादा है, ये किस तरह के मर्डर होते हैं? देखिए, विच हंटिंग होती है जैसे किसी को ये बोल दो कि इसमें भूत घुस गया, इसमें कोई भूतनी घुस गई, ये कोई पिशाच है। खासकर ये जो शेड्यूल ट्राइब और ये जो एरिया होते हैं आदिवासी समुदाय वाले होते हैं, इनमें ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे शिक्षा कम है, तो फिर उनको लोग मार देते हैं। अगर उनको लगता है कि ये भूतनी है या पिशाचनी है, उनको सारी भीड़ मिलकर मार देती है। जनरली ये दलितों के खिलाफ और जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार होते हैं इस तरह के। तो विच हंटिंग मर्डर में झारखंड सबसे नंबर वन है इंडिया में 2016 में, ये कहा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। झारखंड में 27 महिलाएं हैं जिन्हें लिंच कर दिया, लिंच मतलब सारी भीड़ ने मिलकर मार डाला, इसलिए क्योंकि उनको लगता था ये भूत है कोई इनके अंदर, या ये कोई पिशाचनी है या जादू टोना कर रही है। दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, उड़ीसा में 24 फीमेल को मार दिया गया। झारखंड में अब तक 523 महिलाओं को 2001 से 2016 तक मार गिराया गया है, और बस इतना याद रखिए, जहां भी ट्राइब्स ज्यादा होंगे, जनजातियां ज्यादा होंगी, वहां ही जरूर होगा।
जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये इनमें नंबर वन है विच हंटिंग मर्डर में। BSNL झारखंड, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है हमारी, उन्होंने जीत लिया एनुअल हॉकी ट्रॉफी टूर्नामेंट। ये 17वां BSNL ऑल इंडिया एनुअल हॉकी टूर्नामेंट हुआ था और इसका फाइनल खेला गया था एस्ट्रो टफ हॉकी स्टेडियम रांची में। इसमें कर्नाटक को हरा के जीता BSNL झारखंड ने ऑल इंडिया एनुअल हॉकी टूर्नामेंट। नेशनल यूथ डे जो है जनवरी 12 को, यह स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, नेशनल यूथ डे, तो 25,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा 12 जनवरी को, यह कहा है रघुबर दास ने विवेकानंद जयंती के उपलक्ष में। और उसके बाद हर साल 1,00,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा झारखंड में, यह कहा है रघुबर दास ने। मैं रिपीट करता हूं, देखिए 2018 में जो 12 जनवरी आई गया 11 दिन बाद, उस दिन 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके बाद हर साल 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा जो उद्यमी सखी मंडल है वो बनाए जाएंगे और विलेज कोऑर्डिनेटर वहां पे भेजे जाएंगे 32,000 गांवों में, जिससे जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार है उनका विकास हो सके। ये भी अनाउंस करा है रघुबर दास ने अभी अभी। स्कीम का नाम स्कीम नहीं है कोई, बेसिकली अलग तरह के एक मंडल बनेंगे जिनका नाम है उद्यमी सखी मंडल। उद्यमी सखी मंडल झारखंड के गांव में बनेंगे, 32,000 गांव में, और उनमें विलेज कोऑर्डिनेटर फिर भेजे जाएंगे जिससे बीपीएल फैमिलीज पे फोकस किया जा सके। झारखंड जो है वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक स्कीम लॉन्च करी, आपको पता होगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको बोलते हैं सौभाग्य स्कीम, इसमें झारखंड भी शामिल हो गया है। और इस स्कीम में दिसंबर 2018 तक 17,00,000 घर हैं जिनमें अभी किसी भी तरह की बिजली नहीं है, उन्हें बिजली दी जाएगी। यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी जो विद्युतीकरण है वो किया जाएगा, उसका विद्युतीकरण का समावेश होना चाहिए, हर समाज के वर्ग में बिजली पहुंचनी चाहिए, इसके लिए सौभाग्य स्कीम लॉन्च की गई है। अब इसके अंदर जो खर्चा है प्रोजेक्ट का वो है 16,320 करोड़ और ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है 12,320 करोड़। गरीब घरों के लिए, जो रूरल हाउस होल्ड है, रूरल एरिया है, उनके लिए जो धन है वो है 14,025 करोड़ और ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है 10,587 करोड़। जो अर्बन एरिया है, शहरों में है, उनके लिए है 2,295 करोड़ और ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है 1,732 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वही ज़्यादातर फंड करेगी इसे, सारे भारत के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 7 जो हैं। और याद रखिए 31 दिसंबर 2018 तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। और जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी प्रोवाइड करेगी सरकार, अब ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किसे मिलेगा, निशुल्क किसे मिलेगा, ये उनको मिलेगा जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जो बीपीएल फैमिली वगैरह हैं, SECC डेटा यूज करेगी सरकार 2011 जनगणना का। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो घर जिनमें बिजली नहीं है और वो SECC डेटा यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा में भी नहीं आते, उनका क्या होगा, उनमें भी तो बिजली देनी है, तो उनको सरकार क्या करेगी, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देगी लेकिन उनसे 500 रुपया पेमेंट लेगी। और ये जो 500 रुपये है, ये फिर जो उधार हो जाएगा इसको फिर डिस्कॉम से कवर करेगी 10 इंस्टॉलमेंट में बिजली के बिल के थ्रू। तो मतलब काफ़ी एक ईजी कर दिया है, आपको सिर्फ 500 रुपये भरने होंगे बिजली कनेक्शन लेने के लिए, फ्री नहीं है अगर आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा में कवर नहीं है तो, लेकिन डिस्कॉम से फिर वो 10 इंस्टॉलमेंट में वसूल लेगी आपके बिजली के बिल में। इसके अलावा झारखंड की सरकार सोलर पावर के, सौर ऊर्जा पे फोकस करेगी, सौर ऊर्जा के पावर पैक देगी 200 से 300 WP के, और साथ में बैटरी बैंक देगी, ये देगी अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड के लिए जो रिमोट एरिया में रहते हैं, क्योंकि रिमोट एरिया में बिजली पहुंचाना पॉसिबल नहीं है तो वहां सौर ऊर्जा से काम चलाना होगा 200 से 300 WP क्षमता वाले। इसके अलावा इनमें 5 LED लाइट होंगी, 1 DC फैन होगा और 1 DC पावर प्लग होगा, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी भी होगी 5 साल के लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हर घर को मोबाइल ऐप से भी जोड़ा जाएगा इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बस इसमें आप इतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा नहीं। अब झारखंड की सरकार ने एक और टारगेट बनाया है रघुबर दास जी ने, कि हम राज्य से कुपोषण खत्म कर देंगे 2022 तक। तो ये सारे टारगेट 2022 में बन रहे हैं, अब गरीबी खत्म कर देंगे झारखंड से 2022 तक और कुपोषण भी खत्म कर देंगे 2022 तक। तो ये, और इसके लिए यूनिसेफ मदद कर रही है, यूनिसेफ एक प्रोग्राम चला रही है रांची के अंदर, तो वहां की जो सरकार है झारखंड की वो यूनिसेफ से मदद लेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने झारखंड के लिए 3,455 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च करी है,
रामनाथ कोविंद जो है हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के, और बिहार के पूर्व गवर्नर थे इससे पहले ये। इन्होंने आधारशिला रखी है, कई सारे प्रोजेक्ट की, कई सारी चीज़ें स्टार्ट करी हैं। झारखंड ने अभी अपना 17वां फाउंडेशन डे मनाया था, इस उपलक्ष्य में 3455 करोड़ के प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है 636 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें जो राज्य के अंदर 68 लाख परिवार हैं उनमें से 57 लाख को बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिशियरीज को क्या मिलेगा, इसमें 2 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी सेहत बीमा योजना है ये। इसके अलावा 290 करोड़ रुपए लगेंगे 108 एम्बुलेंस सर्विस में, और जोहर जिसको बोलते हैं झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल डेवलपमेंट, ये स्कीम चलाई है झारखंड ने, इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जिससे जो आदिवासी समुदाय के और दलित समुदाय के जो लोग हैं उनकी इनकम झारखंड डबल कर सके अगले 4 सालों में। कहने का मतलब झारखंड की सरकार अगले 4 सालों में जो वहाँ पे जो ट्राइबल आदिवासी लोग हैं और जो दलित परिवार हैं उनकी इनकम को डबल करना चाहता है अगले 4 साल में। इसके लिए चलाई है जोहर योजना, जोहर के फुल फॉर्म याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, जो झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल डेवलपमेंट। और 2 फ्लाईओवर बनेंगे झारखंड में, एक बनेगा हरमू में और एक बनेगा कांता तोली में। तो कांता तोली और हरमू में 2 फ्लाईओवर बनेंगे, 490 करोड़ रुपए खर्चा होगा। तो झारखंड आपको पता है 15 नवंबर को क्रिएट हुआ था, बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्या आप कमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, बिरसा मुंडा का जो गाँव है उलीहट्टू, वहां से एक स्कीम शुरू करी थी अमित शाह और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने, क्या उस स्कीम का नाम बता सकते हैं आप, कौन सी स्कीम है, किसकी बात कर रहा हूं, कौन सी स्कीम की बात कर रहा हूं, देखते हैं कौन बताता है। झारखंड में 4 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, कहां बनेंगे, अब इसमें खर्चा आएगा 2000 करोड़ रुपए। एक बनेगा जमशेदपुर में, टाटानगर में, एक बनेगा दुमका में, एक बनेगा हजारीबाग में और एक बनेगा पलामू में। ये बनेंगे 4 मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा एक झारखंड में बनेगी झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, ये बनेगी खुंती में और इसमें खर्चा आएगा 206 करोड़ रुपए, 54 लाख, 206.54 करोड़ रुपए। इसके अलावा झारखंड में एक जो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है जमशेदपुर में, जिसको बोलते हैं MGMMCH, वहां पे एक नई बिल्डिंग बनेगी उसी कैंपस में, उसमें खर्चा होगा लगभग 430 करोड़ रुपए। झारखंड माइनिंग और मिनरल समिट अभी अभी हुई थी, इसको ऑर्गेनाइज करा था मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने और CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने और झारखंड की सरकार ने मिलकर किया था। इसमें 4 MOU साइन हुए हैं MECL के साथ। यहाँ पे झारखंड में माइनिंग होगी, मिनरल एक्सप्लोरेशन होगा और इससे ये चेक किया जाएगा कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पर हैं, यानी मिनरल्स के जो ब्लॉक हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको ऑर्गेनाइज करा झारखंड की सरकार ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर और इसमें 4 MOU साइन करे हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर। इसके अलावा वेदांता नाम की जो कंपनी है ये एक स्टील प्लांट बनाएगी झारखंड में और एंड विद श्री सीमेंट्स फॉर सेटिंग अप अ सीमेंट प्लांट इन द मिनरल रिच स्टेट। कहने का मतलब झारखंड में वेदांता जो कंपनी है वो स्टील प्लांट बनाएगी और श्री सीमेंट बनाएगी सीमेंट प्लांट। तो 2 अलग अलग कंपनियों के साथ MOU साइन हुए। इसके अलावा झारखंड की सरकार जो है उसने कोल इंडिया के साथ भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए MOU साइन कराए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। 3 दिवसीय समिट थी। अदानी 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा झारखंड में अगले 5 साल में और कह रहा है कि 10,000 जॉब यहां पे लेके आऊंगा। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड जो कंपनी है BEML, वो भी झारखंड में अपना विस्तार करेगी और 60 कंपनियां हैं लगभग जिन्होंने माइनिंग एक्सप्लोरेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट वगैरह में अभी हिस्सा लिया। झारखंड में डेयरी प्लांट बनेंगे, झारखंड की विधानसभा ने मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। एक बनेगा जमशेदपुर में, एक बनेगा गिरिदीह में और इनमें खर्चा आएगा 75.34 करोड़। झारखंड मिल्क फेडरेशन बनाएगी दोनों प्लांट को और बस ये याद रखिए जमशेदपुर में बनेगा और दूसरा गिरिदीह में बनेगा। इसके अलावा झारखंड की जो सरकार है वो 2 और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाना चाहती है जिनमें 50,000 लाख लीटर डेली जिनमें दूध जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। एक पलामू में और एक साहेबगंज में, ये बनेंगे संथल परगना में। इसके लिए लैंड एक्विजिशन अभी चल रहा है। झारखंड की जो सरकार है वो मेधा डेयरी के नाम पे अपना दूध बेचती है, मेध डेयरी ब्रांड है इनका और इनका एक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट ऑलरेडी है होतवार रांची के अंदर जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लाख लीटर अ डे। और जमशेदपुर का प्लांट एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर झारखंड
का ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर होगा। सबसे बड़ा तो रांची में है, दूसरा सबसे बड़ा झारखंड में होगा। इसके अलावा एक कैबिनेट ने GIS बेस्ड मास्टर प्लान 2041 बनाया है जमशेदपुर के लिए। तो बस आप ईयर याद रख लीजिए, 2041 मास्टर प्लान है जमशेदपुर के लिए। अब एक कानून बनाया झारखंड में जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी यानी औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने का निर्णय झारखंड की सरकार ने लिया है और इसके लिए फैक्ट्री झारखंड एक्ट में संशोधन किया है। इसके तहत क्या किया गया, देखिए, जो भी फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं वो अब डबल काम कर सकेंगे, जितना अभी अलाउड है उसके डबल काम कर सकेंगे। ठीक है, देखिए, पर क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, 1 साल 12 महीने का होता है, तो एक क्वार्टर कितने का हो गया, 3 महीने का। 3 महीने में अभी 75 घंटे काम लिया जाता है, नए कानून के तहत 150 आवर हो जाएगा 3 महीने में। और जो नाइट शिफ्ट है महिलाएं वो भी कर सकेंगी, ये भी याद रखिए, और नाइट शिफ्ट महिलाएं कर सकेंगी। इसके अलावा वो अपना ओवर टाइम भी डबल कर सकेंगी, महिलाएं भी अपना ओवर टाइम, यानी वो ओवर टाइम भी डबल कर सकती हैं। जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉई, उनके लिए भी डबल कर दिया है। और ये सब एक ऑर्डिनेंस पास करके करा, यानी अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश तब जारी होता है जब विधानसभा बैठी नहीं होती है, जब वो सेशन में नहीं होती है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें आपको, एक तो पहले जो घंटे थे वो थे 75 घंटे हर 3 महीने में, अब हो जाएंगे 150, फैक्ट्री वर्कर के लिए 150 आवर डबल, और महिलाओं के लिए जो ओवर टाइम है वो भी डबल, और नाइट शिफ्ट भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। कुछ और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, और वो ये कि कोई भी फैक्ट्री महिलाओं को 7 बजे रात के उसे 6 बजे सुबह तक काम पहले नहीं करा सकती थी, लेकिन अब करा पाएगी। यानी 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक झारखंड में महिलाएं काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अब नए अध्यादेश के बाद ये एबॉलिश कर दिया गया, इसे ख़त्म कर दिया गया। और जो क्या बोलते हैं, जिसे वेजेस बोलते हैं, दिहाड़ी बोलते हैं, जो मेहनताना मिलता था फैक्ट्री वर्कर को, वो भी डबल कर दिया गया है 75 रुपये से 150 रुपीज़ अ डे, क्योंकि वर्किंग आवर भी डबल है, तो जाहिर सी बात है पैसा भी डबल। कुछ और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, जैसे राइस प्रोक्योरमेंट, जो चावल खरीदती है सरकार, उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, और प्रोक्योरमेंट होगी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट रामगढ़, धनबाद, बोकारो, जामतारा और कोदरमा में। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेस्ड मास्टर प्लान बनाया है अर्बन सिविक बॉडीज के लिए। ये किस कौन कौन सी अर्बन सिविक बॉडी के लिए बनाया है, फुसरो इन बोकारो, धनबाद एंड छास इन बोकारो, धनबाद अलग है, छास इन बोकारो, जमशेदपुर, चिरकुंडा इन धनबाद, मिही जाम इन जामतारा, पूरा जामतारा सिविक बॉडी, कपाली इन सरायकेला, नगर उतारी इन गढ़वा, छतरपुर इन पलामो, देवगढ़ और रामगढ़। इसके अलावा धनबाद में जो विनोद बिहारी महातो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है, उसके लिए स्कीम चलाई है सरकार ने, जिन पे खर्चा करेगी सरकार 348.5 करोड़ रुपये। अब एक और चीज़, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और इनके जो गरीबी रेखा के जो नीचे परिवार हैं, और वो परिवार जहाँ पे 72,000 रुपये से इनकम कम है, पूरे परिवार की सालाना इनकम कम है, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में। गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है वो तो है ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में। इसमें सरकार 1 लाख रुपये खर्चा करती है गरीब लड़कियों की शादियों पर। और जो PDS डीलर हैं, जो डिपो चलाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डीलर हैं, वो अब नॉन PDS आइटम भी बेच सकते हैं, और इसका नाम होगा दीनदयाल लोक वास्तु भंडार। मैं रिपीट करता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे इसका नाम रखा है, दीनदयाल लोक वास्तु भंडार बोला जाएगा इसे। यानी जो डिपो वाला सामान है वो ही नहीं, वो दूसरे सामान भी अब नॉन PDS आइटम भी बेच सकते हैं। जो महंगाई भत्ता है यानी डियरनेस अलाउंस है, वो भी बढ़ा दिया गया है। उसमें जो 1% हाइक मिला है उसमें, और जो पेंशन है उसमें 3% हाइक मिला है। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाएगा, यानी पुराना जो स्लैब है पुरानी डेट से लागू होएगा, तो उसमें जो 1 जुलाई से जो अगले 7 महीने उनके लिए भी ये अप्लाई होगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए डियरनेस अलाउंस है उसमें 1% वृद्धि है, और जो पेंशन है उसमें 3% वृद्धि है। इसके अलावा झारखंड की सरकार जो है वो ताना भगत, उनसे 1 रुपया रेवेन्यू लेगी, ये अनाउंस करा रघुबर दास ने। 61 लाख ताना भगत जो हैं
61 लाख रुपए वो उन्होंने माफ कर दिया है और सिर्फ 1 रुपया लेगी उनसे टोकन रेवेन्यू जमीन के ऊपर। इसके अलावा 5 ताना भगत हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है ताना भगत विकास प्राधिकार के की पोस्ट पे, और ताना भगत मुक्ति दिवस प्रोग्राम बेरो में कंडक्ट किया गया है, किया जाता है 30 अगस्त को हर साल। अब इसको एक राजकीय त्यौहार की तरह मनाया जाएगा। ताना भगत मुक्ति दिवस प्रोग्राम जो झारखंड में होता है 30 अगस्त को हर साल, उसको अब राजकीय त्यौहार की तरह मनाया जाएगा। और जो वो ताना भगत जो होमलेस हैं उन्हें पक्का घर बना के दिया जाएगा, और अगर उनका कोई मड हाउस है तो उसे भी पक्का बनाया जाएगा। इनके लिए एक गेस्ट हाउस भी बनेगा रांची के अंदर। इसके अलावा जो ताना भगत महिलाएं हैं उन्हें 4 काऊ मिलेंगी, 4 गाय मिलेगी, और 4 गाय पे सबसे 90% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा सरकार जो है वो दूध भी खरीदेगी इनसे, जो गायें रखेंगी उनसे दूध भी खरीदा जाएगा। और 10वीं पास जो बच्चे हैं उन्हें रक्षा शक्ति स्कूल में सरकार एडमिट करेगी, रक्षा शक्ति स्कूल में उन्हें एडमिशन देगी और फिर उन्हें 1 साल के बाद पुलिसमैन की पोस्ट पे भी अपॉइंट करेगी। ताना भगत के लिए एक स्पेसिफिक कौशल विकास केंद्र भी बनाया जाएगा, और जो ताना भगत महिलाएं हैं उन्हें मधुमक्खियों पालन, बी कीपिंग, ब्लैंकेट और टावल मेकिंग यानी कंबल और रजाई की बुनाई और सिखाई जाएगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा इनके लिए एक सेपरेट हॉस्टल बनाया जाएगा रांची में, जिनमें ये रह सकती हैं, और इन्हें कृषि उपकरण भी बहुत सस्ते दामों में सब्सिडी देकर इन्हें दिए जाएंगे। और 9 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। झारखंड भवन बनेंगे कहाँ कहाँ पे, दिल्ली में, मुंबई में और पूरी ओडिशा में, वहां पर ये अनाउंस करा है रघुबर दास ने। झारखंड भवन का निर्माण होगा नई दिल्ली में जून 2019 से पहले और मुंबई और पुरी में दिसंबर 2019 से पहले। डेडलाइन क्या है, जून 2019 नई दिल्ली में और दिसंबर 2019 मुंबई और पुरी में। तो 26 जनवरी से पहले पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी झारखंड भवन की। बांग्ला साहिब लेन कनॉट प्लेस दिल्ली में बनेगा ये, और इस भवन में झारखंड का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो सब दिखाए जाएंगे। और बिल्डिंग जो है एक मंदार की शेप में बनेगी। इस भवन का बेनिफिट ये होगा कि जो झारखंड के लोग हैं उनको यहाँ पे रहने की सुविधा भी दी जाएगी, जो दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं इन 3 राज्यों के अंदर। तो ये थे 2 महीने के करंट अफेयर झारखंड के, सिर्फ झारखंड के थे, किसी और राज्य के नहीं थे। और क्योंकि मैं झारखंड के बहुत सारे जो एरिया हैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ, करंट अफेयर मैंने कवर तो कर दिए हैं, लेकिन हो सकता है उनके नाम प्रोनाउंस करने में, उच्चारण में कोई मुझसे गलती हो गई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने झारखंड के, कम से कम झारखंड के दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी पंचायत सचिव का पेपर होने वाला है और बहुत सारे पेपर वैकेंसियाँ भर के निकल रही है झारखंड में, तो सबका फ़ायदा होगा। और इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे उन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी आप उनको भी देखिए। और चलो चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने इस वीडियो के दौरान आपसे पूछा था, और एक सवाल का जवाब और दीजिए कि झारखंड का कौन सा ऐसा एरिया है जिसे एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किया जाएगा, और वो झारखंड में जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसका भी हिस्सा होगा, जिसको बोध गया और दूसरी जगह से भी जोड़ा जाएगा। तो कमेंट्स में लिख के बताइए किस एरिया की बात हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।